क्या छोटे, तूने एरिया की लड़कियों के लिए एक स्कीम निकाल, बिल बचाओ, भाई बना। अंगा तूने थोड़े तानिश ने लिया था तो प्रॉब्लम है तुझे, भाई है मेरा। हाँ ये सही है सारा तुम लोग का, तू अपने मामू के नाम पर फुदक ले और ये तेरे नाम पर। ए भाई ठंडा ले। ए क्या बोलना, तेरे को ना इधर रहने दिया। हाँ इज्जत दी, मेरी गलती। क्यों निकाल, क्यों क्यों निकाल, मामा के एरिया है, तेरे मामा की चलती है, चल बहुत जल्दी जाएगा वो अंदर। किधर फुट गया रे? देखो ना भाई के बाजी ने मेरे को मारा सब, देखो ना था मेरे को जान से मारने की कोशिश की सब। नाम ले सर, इसका FIR लिख दो। ओके सर, चल चल। फ्राइडे खत्म हो गया, आज जमानत नहीं होगी। इसके खेत जाने की तैयारी करो, सोमवार को सीधे कोर्ट में हाजिर होगा। अम्मी वो अकबर की टॉक्सिस है। सब ठीक हो जाएगा आपा। केसवानी साहब, जिन लोगों को सबसे ज्यादा चाहा उन्होंने मेरे सारे डर सच किए। दानिश कहाँ है? आपको पता लगे तो हमें भी बता देना। Thank you.
कभी ये सोचा कि दानिश का एक्सीडेंट क्यों हुआ? क्या आपको कभी भी लगा कि वो एक्सीडेंट सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए था? गाड़ी पहुंच रही है। भाई का बिजनेस ही नहीं, उसके दुश्मन तक हासिल कर ली। आपके पति और बेटे की मौत इसी वजह से हुई थी, इस बात से इनकार नहीं कर सकती आप। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर। पर आपने और आपके भाई ने दानिश के लिए मिसाल ही क्या छोड़ी थी, ऑप्शन ही क्या था उसके पास? आप अगर चाहते enough, तो enough, Mrs. Roshni, सुबह से आप एक के बाद एक कहानी सुना जा रही। आई एम स्टेटिंग फैक्ट्स, कहानी तो ये सुना रही है और आर्टिकल्स और रूमर्स के बेसिस पे एलिगेशन लगा रही है। आप सबका वक्त बर्बाद कर रही है। जस्ट बिकॉज कोई सामने नहीं आता इसका मतलब ये नहीं कि बेगुनाह है। लॉयर और न्यूज रिपोर्टर, रूमर्स भी तभी बनती है जब उनमें कोई सच्चाई होती है। मैडम, हम लोग यहाँ पर इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ किसी औरत की डिग्निटी का सवाल है। किस डिग्निटी की बात कर रहे हैं? अगर ये इतनी क्लीन है तो बुरके में मुंह छुपाकर सबको गुमराह कर कोर्ट में क्यों आई? That is a crime? Wow. इन्हें अपने भाई के दुश्मनों का या जिनको इन्होंने एक्सटॉर्ट किया है उनका डर था, इसीलिए ऐसे मुंह छुपाकर कोर्ट में आई हैं। No sir, I'm just trying to establish that she's trying to prove herself as a victim, sir. I object, Your Honor. Enough, both of you. Mrs. Sartam, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं सच में आपकी हिम्मत की कदर करता हूँ। केसवानी साहब, मानना पड़ेगा, she has given a tough fight. But Mrs. Sartam, ये सिर्फ डिबेट थी, केस नहीं। मैंने आपकी सारी बातें सुनी, आपकी सारी आर्गुमेंट्स कंसिडर की, पर आपके पास कोई प्रूफ, कोई एविडेंस नहीं है। But Your Honor, बस डिफेंस को कुछ कहना है? नो योर ऑनर, मैं कुछ बोल सकती हूं? हाँ, आपको इजाजत है। किसी के घर जब दस्तक होती है तो खुशी से दिल बेचैन होता है कि शायद बेटे की पास होने की खबर आई हो या कोई चहेता मेहमान आया हो। मेरे घर दस्तक होती है तो डर लगता है कि किसी अपने की मारे जाने की खबर आई होगी या कोई पुलिस वाला आया होगा। इसलिए नहीं कि मैं हसीना हूं, बल्कि इसलिए कि मैं अपने भाई की बहन हूं। मैंने जिंदगी में कई चीजें गलत चुनी हो सकती है, पर रिश्तेदार तो मैंने नहीं चुने। कोई उन्हें चुनने का हक देता है? मेरे भाई ने जुर्म किए हैं, ये दुनिया जानती है। मेरे बड़े भाई और शौहर की मौत इसी वजह से हुई। इसका एहसास होने के लिए मुझे किसी अदालत में जाने की जरूरत नहीं। जितने सरों ने मेरे हाथ पे सजदे किए हैं उससे ज्यादा उंगलियां उठी हैं कि ये देशद्रोही की बहन है। और मेरी इस हकीकत को बदलने का मुकदमा ना आप लड़ सकती है, ना आप इसका फैसला सुना सकते हैं। अगर इस हकीकत को जीना गुनाह है तो मैं कबूल करती हूं कि मैं ये गुनाह हर रोज करती हूं। आपकी बात सुनकर मैं ये तय नहीं कर पा रहा हूं कि आप हालात की शिकार हैं या दुनिया की सबसे होशियार औरत। आपका भाई आपके लिए ढाल है या आपके मुश्किलों की वजह, पता नहीं। पर मेरा फैसला मेरी राय के बलबूते पर नहीं होता,
इम्पोर्टेंट एविडेंस है, इसे पीआईएल के लिए सबमिट कर देना एंड जस्ट गो थ्रू दिस लिस्ट. ओके दैट्स इट, देखते हैं क्या होता है. द रेस्ट विल सी इन द हाई कोर्ट. मैं पेपर फाइल कर दूंगी बाद में. हरा रंग सब पे नहीं जचता, आप पे अच्छा लगता है. शुक्रिया. आपकी माँ ने चुनी है साड़ी. आपको कैसे पता? सिर्फ माँ ही दुनिया से हटके सोचती है ना. जी वो कोलकाता से लाई थी मेरे जन्मदिन पर. तो चलिए अजीब हालात में से ही, पर आपसे मिलकर अच्छा लगा. केस तो अभी शुरू हुआ है हसीना जी, फिर मिलेंगे ऐसे ही अदालत में. मुंबई सेशंस कोर्ट ने एक्सटॉर्शन के मामले में हसीना पारकर की एंटीसिपेटरी बेल मंजूर कर ली है. सूत्रों की माने तो लैक ऑफ एविडेंस की वजह से उन्हें रिहा किया गया है. प्रोसिक्यूशन हाई कोर्ट में अपील करेगा या नहीं, या फिर हसीना भी उनके भाई की तरह कानून के पकड़ से दूर रहेंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. जी भाई,